एक श्रद्धा के साथ में बनवा दूँ। अरे यार इतना सोलो तो करवा लो पहले। अरे कैमरा नीचे करो यार। पाल साहब नीचे आओ। ओके भाई। थोड़ा नीचे करा दो सर। ठीक है। सोलो सोलो। सर नीचे हो जाओ पाल साहब। सोलो सोलो। लेते लेते। नहीं आ तो। ये तो नहीं। So, first of all, a huge round of applause for street dancer 3D Kapoor team. Everything is going so perfect right now, and I just can't wait to actually watch the super hit song Illegal Weapon 2.0. I think without further ado, I think we should see the song first of all. Actually, especially Delhi ke press ke liye, aaj aap jitne bhi log aaye, ye pehla launch hum log Delhi mein kar rahe. तो ये गाना आपको बड़े स्क्रीन पे दिखेगा और जाने के पहले आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। सारे जितने भी लोग यहाँ ऑडिटोरियम में है, आप खाली आपको लोगों के लिए होगा सरप्राइज, क्योंकि ये जो चीज हम लोग दिखाएंगे सिर्फ थिएटर में देख सकते हैं। बट एक्चुअली ये बैठने वाली पिक्चर नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने पैर पे रहते हैं। सो कैन वी स्टैंड एंड डू दिस इंटरव्यू, मतलब जो भी हम लोग बैठो, मतलब ऐसा हम लोग को बहुत बुढ़ापे का फीलिंग हो रहा है। फाइंडिंग फिजिक्स की नहीं, ग्रेविटी नहीं है, बट हाँ पाजी ले जाओ। थैंक यू पाजी। बेसिकली फिल्म में ये गाना जो है श्रद्धा कपूर का इंट्रोडक्शन गाना है, जिसका नाम है इल्लीगल वेपन 2.0। जैस्मिन सैंडलिस ने गाया है, उनका गाना है, उन्होंने ही गाया है इसमें, और गैरी सांधू ने। तो एक्चुअली श्रद्धा से ये पूछा जाना चाहिए कि हाउ डिड शी ट्रेन फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन, बहुत अच्छा लग रहा है टू कम हियर, एंड बहुत मजेदार लॉन्च हुआ हमारा बाहर, सो दैट फेल्ट रियली रियली गुड। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक इन दिल्ली, बिकॉज इट्स माई सेकेंड होम। एंड एक्चुअली ये गाना हम दोनों का बैटल है, तो पहला बैटल है फिल्म में, एंड बहुत मज़ा आया क्योंकि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और इन रियल लाइफ वे वेरी गुड फ्रेंड्स। तो आई थिंक कि ऑन द बिग स्क्रीन वो थोड़ा टशन जो उसका अपॉर्चुनिटी मिला, तो मज़ा आया उसमें, एंड वी होप दैट यू रियली लाइक इट। या एक्चुअली श्रद्धा ने इतनी खूबसूरत सी से नाचा है, तो एक्चुअली एक और फूल है जो मैं उनको देना चाहता हूँ। Can you hear it for श्रद्धा कपूर प्लीज। Hey guys, so this song was actually a super hit even before gaana, and we get to dance on it, and the first time you heard the street dancer wala version, how was that reaction? It was like first definitely jaisa aapne kaha ki itna super hit gaana already hai, to उसी में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि जो विजुअल्स है उसको मैच करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि हमने वो उस लेवल तक हमने कोशिश तो की है, एंड डेफिनेटली हमारे कोरियोग्राफर्स कृति एंड राहुल, उन्होंने जो सेट किया है, तो वी होप कि दैट दे आर वेरी हैप्पी, एंड उनको अच्छा लगा हमने कैसे किया, एंड वी होप दैट ऑल ऑफ यू आल्सो लाइक इट। मेरे तो जेन्युइनली जब फिल्म ऑफर हुई थी मुझे, तो रेमो डिसूजा और भूषण कुमार जो प्रोड्यूसर है, वो लोग जब आए थे तो उन्होंने मुझे चार गाने सुनाए थे, उनमें से एक ये था। तो मैंने बोला था यार ये गाना तो मैं किसी और हीरो या हीरोइन को नहीं दे सकता, ये मुझे चाहिए, बिकॉज आई रियली लाइक जैस्मिन सैंडलिस की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, और गैरी सांधू की आवाज़ भी, एंड बहुत ही अच्छे सिचुएशन में ये गाना आता है। बट बिसाइड्स दैट, ये गाने में बहुत सारे नए बच्चे भी हैं हमारे साथ। विनय खंडेलवाल एक लड़का है जो दिल्ली का है, उन्होंने बहुत रियलिटी शोज में पार्ट टेक किया है, तो वैसे ही बहुत सारे लड़के लड़कियां भारत के अलग अलग जगहों से, भिन्न भिन्न जगहों से, छोटे छोटे शहरों से, एंड दे आर मेकिंग देयर डेब्यू इन दिस। वर्तिका है जो डांस प्लस में थी, देयर इज सलमान हुज कम बैक इन दिस, धर्मेश, राघव, सुशांत, पुनीत को सब लोग जानते हैं, देयर हाउस होल्ड नेम्स, बट बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने डेब्यू किया है फिल्म में, लाइक नोरा हैज, एंड ऑब्वियसली देयर इज प्रभु देवा, जिनके बिना ये फिल्म इनकम्प्लीट है। ऑलराइट, सो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन हाय, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस फिल्म एंड दिस सॉन्ग एज़ वेल। सो आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज योर प्लान टू बोथ ऑफ यू, व्हाट इज योर प्लान फॉर द नेक्स्ट
and decade that we have entered, and you both have established your identities in Bollywood. And secondly, my question is to you, Varun. There's a lot of reports online that you have signed Shashank Khetan's next with Bhumi and Jhandi. Can you share something about that film as well? So, you spoke about the next decade. I think the next decade is going to be very important for me and her. We've had one decade. और जैसे कि ये डांस फ्रेंचाइजी का जो जॉनर है बेसिकली डांस जॉनर स्टार्टेड विद एबीसीडी 1 एबीसीडी 2 में श्रद्धा और मैं आए एंड स्ट्रीट डांसर 3D इज नाउ टेकिंग इट अहेड ये फिल्म 3D में रिलीज होगी एंड होपफुली एक 4DX रिलीज भी होगी इसकी सो व्हेन यू वॉच दिस फिल्म इन 3D जो टेक्नोलॉजी और सिनेमा का मिश्रण होता है देन यू कैन गेट सिनेमैटिक enjoyment you can get by watching a film like Street Dancer 3D. So I think looking forward into the future, I'm looking at doing more content oriented films, more films that are VFX driven, also which push the boundaries of normal cinema viewing. And as far as working with Shashank, yes, I am working with Shashank, but the rest of the casting, main nahi announce kar sakta, I'll let Karan Johar sir do that. Hi Varun, hi Shraddha. Amit this side from ABP News. Varun, Shraddha, आप दोनों से सवाल कि जब कोरियोग्राफर डायरेक्टर होते हैं तो उनको अपने डांस से खुश करना बहुत मुश्किल होता है तो रेमो ने आपको 10 में से कितने नंबर दिए दोनों को और डांट कितनी बार पड़ी अगर पड़ी तो सही सही बताइएगा हम तो चाहेंगे 10 में से 10 पर उन्होंने कितने दिए वो पता नहीं अभी तक हमें पता नहीं है कि उन्होंने कितने मार्क्स दिए हमें आई थिंक कि हम उम्मीद करेंगे कि 10/10 मिले करेक्ट सो इधर आप श्रद्धा से ये पूछो कि उन्होंने ये गाने के लिए रिहर्सल कितने दिनों के लिए या महीनों के लिए की बिल्कुल कितने की और नखरे कितने दिखाए क्योंकि गाने में भी नखरों का जिक्र है तो वो वरुण आप बता सकते हैं कि नखरे उन्होंने कितने दिखाए एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगी कि आपने मैं दोनों क्वेश्चंस को साथ में आंसर करना चाहूंगी कि 2020 का रेजोल्यूशन क्या है और आपका सवाल मेरा ये रेजोल्यूशन है कि नेक्स्ट टाइम मैं विश करूंगी कि एक अगर डांस फिल्म मुझे ऑफर हुए तो वो थोड़ा जल्दी ऑफर हुए लास्ट मिनट नहीं ऑफर हुए क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म एंड थ्रू ऑल द सॉन्ग्स आई वाज लेफ्ट विथ टू स्प्रेन्ड एंकल्स इंजर्ड शिन माय शोल्डर्स हैड गॉन एंड माय नेक हैड कंप्लीटली गॉन वी हैड अ फिजियो ऑन सेट एवरी सिंगल डे सो माय रेजोल्यूशन इज दैट आई विश दैट देयर इज नो अर्जेंट सिचुएशन अगेन व्हेन अ डांस फिल्म इज ऑफर टू मी एंड थोड़ा अगर हेड्स अप मिले तो बॉडी को भी थोड़े आराम से अगर रिहर्सल करने को मिलेगा सो दैट वुड बी गुड इट वॉज वेरी बहुत चैलेंजिंग था टू बी अ टू प्रिपेयर फॉर दिस फिल्म क्योंकि उतना जो रिहर्सल का टाइम लास्ट मिनट हुआ बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन नॉनदरलेस आई थिंक नखरों की बात की तो आई टेल यू कि ये गाने में इनका जो टीम है इसका नाम है रूल ब्रेकर्स और ये लोग किसी और जगह से किसी और स्ट्रीट से और मेरे टीम का नाम स्ट्रीट डांसर है और इनके टीम में अलग लोग हैं मेरे टीम में अलग लोग हैं तो जो एक्चुअली ये जब गाना शूट करे तो एक्चुअल की झगड़ा हो रही थी मेरी टीम इधर साइड पे खड़े होके मेरे को धर्मेश और राघव बोल रहे थे अरे यार इनको इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स क्यों मिले हम लोगों को क्यों मिले अरे यार हमारा अलग रोल है हम लोग को मतलब एटीट्यूड दिखाना है इस गाने में हम लोग को ज्यादा बचपना नहीं दिखाना और बार बार ये लोग स्टेप करके हम लोग मतलब है भी नहीं फ्रेम में हम लोग They were teasing us and all. But Shraddha bhi pata nahi kya ho gaya tha usko. Phir ending mein hum log ne bhi thasan diya. But overall I think picture ke liye bahut acha hai. And she pretty much kicks my ass in the song. I think jaise ki dikh raha hai. I don't know. I think now aap sabhi decide kar lo ye baat. But she's very good in the film, Shraddha. She dances really, really well. Hi Varun, Rekha from HP News. 13 saal ke rahe honge. और इस गाने ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था जब आपको पहली बार पता चला कि आपको इस गाने पर डांस करना है तो फिर आपका रिएक्शन क्या था और कितनी प्रिपरेशन की आपने इसके लिए आई थिंक ये देश का हर एक बच्चा वो चाहे कहीं भी पैदा हुआ किसी भी लैंग्वेज में बात करता होगा बट हर एक बच्चा जब मुकाबला रिलीज हुआ था दे ऑल वर लाइक ये क्या है यार ये आदमी क्या है ये थोड़ी ना होता है बॉडी का मूवमेंट मतलब इट वॉज फिनोमिनल मतलब वॉट प्रभुदेवा इज टू डांसिंग टू दिस कंट्री आई थिंक किसी ने नहीं किया है इतना रेवोल्यूशन लाया आई थिंक जब मुकाबला आया था आई थिंक एवरीवन वाज लाइक हाउ कैन समवन मूव लाइक
पानी की तरह वो मूव करते हैं. तो आई थिंक कि सब बच्चों ने आई थिंक मिरर के सामने तो 100% ये उनका डांस प्रैक्टिस किया होगा. आई वाज डेफिनेटली आल्सो वन ऑफ देम. हम लोग ये स्टेप कर लेते हैं, बट आप जब प्रभु सर को देखेंगे ना मुकाबला स्टेप करते हुए, हम लोग सब एनर्जी डाल रहे गाने में. अगर आप गाना देखेंगे ना तो प्रभु सर बहुत इजी है, ही इज जस्ट डूइंग दिस. पहले तो ऐसे ही खड़े और खाली ऐसे, और हम लोग सब और प्रभु सर मेरे को देखे बट उन्होंने बहुत प्यार दिया है मुझे, श्रद्धा को. ये सेकंड टाइम हम लोग काम कर रहे हैं और प्रभु सर के साथ हमारी ट्यूनिंग हो गई है. श्रद्धा ने उनको मुकाबला गाने में 36 टेक्स कराए हैं एक स्टेप के लिए. It was at least 36. नहीं बहुत टेक्स थे, 36 पता नहीं, पर मैं बता दूं कि मेरा बहुत छोटा पार्ट है उसमें. लेकिन अगर आप प्रभु सर के साथ डांस कर रहे हो तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट. तो मुझे नहीं लगा कि वो ठीक से हो रहा था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज और कर सकते हैं कि नहीं. और फाइनली और सच्ची में प्रभु देव थक गए थे एंड तक, बोल रहे हैं हाउ यू वांट टू डू. नहीं पर प्रभु सर बहुत स्वीट थे, क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम दोबारा कर सकते कि नहीं. तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक्चुअली ये बोला कि श्रद्धा जितनी बारी आपको करना है हम करेंगे, जब तक आपको नहीं लगता कि ठीक हो. और मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं लगता कि वो ठीक है. ठीक वो पहला टेक ही था, वही यूज हुआ है. आपसे कि इससे पहले आप दोनों जो मूवी में आए हैं उसमें आप दोनों एक ही टीम में थे, अभी आप डिफरेंट टीम्स में हैं, तो आप लोगों को कितना मतलब स्ट्रगल आप लोगों को लगा कि एक दूसरे से, बिकॉज आप दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मूवी में वो चीज लाने के लिए आपको कितना डिफिकल्ट हुआ? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि सडनली इनको ऐसे मतलब कंपटीशन के नजरिए से देखने हुए थोड़ा सा वो लगा कि बिल्कुल ऐसे ही लगा कि अरे यार पहले तो हम सेम टीम में थे, अभी एक दूसरे के खिलाफ हो गए सडनली कैसे. तो आई थिंक कि पर जब वो यूज्ड टू हो गए तो थोड़ा बहुत मजा भी आने लगा. यू नो जेन्युइनली ये फिल्म ना एक फैमिली की तरह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. इस फिल्म में धर्मेश, राघव, पुनीत, सुशांत, सलमान, प्रभु देवा, ये सब जो है हमारे साथ, हम लोग सब एक फैमिली है. तो जब भी हम लोग सब साथ में सीन करते हैं, और ऐसे बहुत सीन है फिल्म में, ऐसा लगता ही नहीं था कि शूटिंग हो रही थी, बस मस्ती हो रही थी वहाँ पे. सब मतलब इधर उधर से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और बिकॉज दे आर डांसर्स ना, उनको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो लोग एक्चुअली डांसर्स है, हम लोग एक्टर्स है, हम लोग को डांसिंग की एक्टिंग करनी पड़ती थी. क्योंकि डांसर्स के बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होते हैं, वो लोग बिल्कुल स्टिफ नहीं होते, बिल्कुल पोजी नहीं होते. एंड दे आर मोर स्ट्रीट हिप हॉप, पॉपिंग, लॉकिंग, बहुत अलग स्टाइल से. सो जो इमोशन होती थी वाइल शूटिंग, जेन्युइनली एक परिवार की तरह होता था. आई थिंक कि एबीसीडी 2 को आप सबने इतना प्यार दिया, स्पेशली दिल्ली में बहुत प्यार मिला ये फिल्म को. फिल्म मुंबई में बेस्ड थी, पर फिर भी दिल्ली की पब्लिक ने इतना प्यार दिया. ये फिल्म पंजाबी कल्चर में बहुत हैवीली बेस्ड है, कहीं ना कहीं यूके में बेस्ड है. एंड It's a very very interesting topic. जो topic भी है फिल्म का बहुत interesting है, उसकी झलक trailer में दिखाई देती है, but हम लोग ज़्यादा उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं. Let that be a surprise. Varun, Shraddha, a very happy new year. Happy new year to all of you. Happy new year. Yeah, my question is for Varun and Shraddha, both of you. If we talk about your looks, Varun, we know that you got the inspiration from that Instagram sensation. Danish. And if you can give us the more details, how did you get into the skin of the character? And Shraddha, same thing for you. I think मेरा जो character है pretty much बहुत लोग जो आज की youth है, बहुत सारे जो young generation है जिनको obviously हम सब अपने phone से obsessed है. हम देख सकते कितने लोग फोन पे, बट मेरे को बस सक्सेस चाहिए लाइफ में. आई वांट टू सक्सीड, मुझे जीतना है हर मतलब. आई कैन गो टू एनी लेंथ टू विन. इसको हराने के लिए मैं किसी भी लेंथ तक जाता हूँ. जेन्युइनली जिंदगी में जीतने के लिए मैं किसी भी लेंथ तक जा सकता हूँ. कभी कभी गलत रास्ता भी अपनाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता उस वक्त सही क्या है गलत क्या है. मुझे लगता है कि मुझे जीतना है तो मतलब बाकी लोग नहीं कर रहे तो मैं तो कर लूंगा, यू नो. सो बेसिकली माई कैरेक्टर इज लाइक दैट.
somewhat like that, but अच्छे shade भी है उसमें. एक dialogue है मेरे character का जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं बोलता हूँ कि चाहे तेरे लब पे वाहे गुरु दा नाम आवे या ना आवे, लेकिन वो लम्हा भी इबादत दा होता है जब तू किसी और के काम आवे. So, there's a lot of heart in this film also, in Sahaj's character, but थोड़ा काफी naughty है, थोड़ा नहीं बहुत naughty है. वरुण हाय. It was actually काफी challenging था मेरे लिए, क्योंकि इनायत जो है वो in real life I think that I'm, as you heard, जो वरुण ने कहा कि मैंने request किया प्रभु सर से कि एक और बार कर सकते कि नहीं, तो I always feel like कि it can keep getting better, you know, the anything, and I always like asking for one more take. But इनायत जो है वो इसकी opposite है. इनायत as a character, as a person, she is very very like उसको she is so sure of herself कि वो अगर कुछ गलत भी करते dancing में she thinks she is the best. So I think that to get that, and she somewhere has a little bit of that, you know, that I'm the best dancer kind of a thing, which I really don't. I'll keep asking Remo sir, is this fine, is this okay? So it was very very interesting, bahut interesting tha to play that character and have that kind of a sense, because I've not done anything like that before. And yes, and she is very very बहुत aggressive है, और अपने team के साथ बहुत, she is very obsessed and very possessive about her team. तो team spirit उसमें है बहुत सारा, and that was very very fun to play. वरुण, अरे last two questions please. वरुण, hi. आपकी एपिसोड 2 में भी आप दोनों की chemistry बहुत बहुत लोगों को पसंद आई थी. इस movie में वो जो उस movie के dance steps थे वो कुछ different देखने को मिलेगा या बहुत, actually बहुत ज़्यादा different देखने को मिलेगा इसमें, because ये battle format है. ABCD 2 में खाली group format में था कि एक group perform करता है, फिर दूसरा group perform करता है. इसमें क्या होगा कि suppose ये stage है, एक group वहाँ पे खड़ा है, एक group यहाँ पे खड़ा है. It's almost like a face off and a battle जो underground में होता है. So battles वैसे है. And secondly ये सिर्फ एक dance film नहीं है, ये बहुत बड़े मुद्दे पे है. यूके में बेस्ड है दो टीम, जैसे कि श्रद्धा ने कहा, एक इंडियन है एक पाकिस्तानी है, बट इवेंचुअली दे आर पीपल स्टेइंग ओवर देयर, बहुत यंग है, तो उनके जो झगड़े भी होते हैं बहुत यंग लोगों के झगड़े होते हैं, जैसे क्रिकेट को देखते हुए जिस तरीके से झगड़े होते हैं कभी कभी. मतलब कोहली ने बहुत अच्छी तरह खेल दिया मैच में, तो मैं गा के इनको चिढ़ाता हूँ कि बुरा ना मानो कोहली है, बुरा ना मानो कोहली है. सो ये सारे भी मस्ती मजाक वाले कॉमेडी वाले सीन्स भी है, बट इवेंचुअली ये फिल्म में हार्ट है. जैसे आपने एबीसीडी 2 में भी देखा था कि क्लाइमैक्स में एक बहुत ही इमोशनल हार्ट आ जाता है, सेम वे इसमें भी है. इट्स एन आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म, मतलब बच्चों के लिए, फैमिली के लिए. और मैंने बहुत वक्त से एक्चुअली फैमिलियों के लिए फिल्म नहीं की है, इन्होंने किया है छिछोरे छेदन, बट आई हैव डन फॉर अ वाइल, मैं थोड़ा सीरियस फिल्म्स कर रहा था. सो आई वांटेड टू डू अ फिल्म फॉर किड्स, मेरी अभी भी हाल ही में नीस हुई है. सो आई वांट टू डू अ फिल्म, मैं फिल्म ऐसे करना चाहता कि सारे बच्चे बुजुर्ग टीनेजर सब आके देख सकते हैं साथ में, अलग अलग बैठने की जरूरत नहीं है. साथ में देखिए. आई एम इरफान तहजीब टीवी से. वरुण, मेरा सवाल आपसे है, आपने जुड़वा 2 में सलमान खान को काफी फॉलो अप किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा और कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी यार. आई मीन देयर इज नो अदर सुपरस्टार मेगा स्टार लाइक सलमान भाई हमारे देश में, और आई थिंक सारे यंगस्टर्स बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं. बट जैसे हर फिल्म में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, एंड यू हैव टू ट्राई एंड मेक दैट रोल योरसेल्फ, आप अपना कुछ डाल देते हो रोल में. सेम वे जैसे इसमें एक यूके लड़के का पंजाबी कैरेक्टर का मैं किरदार निभा रहा हूँ, बट इसके अंदर भी मैं अपना थोड़ा डाल ही देता हूँ, क्योंकि आई थिंक फिर वो कैरेक्टर बनना मुझे फेक लगता है अगर फुल अलग लगे ना. मेरी थोड़ी परछाई तो होनी चाहिए कैरेक्टर में, उसका दिल में थोड़ा सा मेरा दिल भी होना चाहिए. Hi Shraddha, hi Varun. This is Malinder Singh from Insta Feed.
इलीगल वेपन 2.0 ने एक चीज तो साबित कर दी है कि जिस चीज की कमी महसूस की जा रही थी इस फिल्म में वो कंप्लीट हो गई। एक पंजाबी सॉन्ग की कमी महसूस की जा रही थी वो कंप्लीट हो गई। तो ये हम समझे कि बॉलीवुड में पंजाबी सॉन्ग्स अगर फिल्म में नहीं हो तो फिल्म अधूरी है, क्योंकि आइकॉनिक सॉन्ग मुकाबला तो आपने हिट कर ही दिया है। पाजी बिल्कुल सही गल की आपने, पंजाबी सॉन्ग जो होते हैं, पंजाबी म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं, सिंगर जो होते हैं, मैजिक होता है, मैजिक होता है कुछ वो अपने, और हम दोनों पंजाबी है तो वो एक कल्चर में ही एक वो एक चीज है, मिठास है। तो डेफिनेटली जैसे जैस्मिन और कैरी ने इसमें गाया, हमारे पिक्चर में और भी गाने हैं, सिप सिप भी है जैस्मिन का, एक और पंजाबी गाना है नच्ची नच्ची जो सचिन जिगर ने कंपोज किया है। एंड इस फिल्म में तो बहुत मतलब पंजाबियों को लेके और हमेशा पार्टियों में तो पंजाबी गाने ही, मतलब सब लोग डांस फ्लो में तब आते जब कोई हिट पंजाबी गाना प्ले होता है तो सबको मजा तब आता है, तब सबके हाथ रात एकदम मतलब मस्त मजे में। तो आई थिंक कि हमें भी वी आर आल्सो वेरी हैप्पी कि हमारे बट एक्चुअली एक बहुत कूल पॉइंट ये है कि जो हमारे डायरेक्टर है ये फिल्म के रेमो डिसूजा वो एक क्रिश्चियन है, जो एक्टर्स है पंजाबी है, जो अदर एक्टर्स है गुजराती है, महाराष्ट्रन है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, मतलब हर जगह से, हमारे देश के हर कल्चर से, हर रिलीजन से लोग हैं इस फिल्म में अगर आप देखो। सो इट्स ट्रूली एन इंडियन फिल्म, आप देखोगे ना हर जगह से, हर कोने से लोग हैं इस फिल्म में। वरुण, यू हैड अ स्पेशल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस टुडे,